next rubric that goes for him is boasting. The rubric is presented as boaster braggart. Now boaster means शेखीबाज, डींगे मारना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. सेल्फ प्रेजर्स को हम बोस्टर्स कहते हैं. अपने आप को या अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताना इनकी आदत होती है. ये लोग खुद ही खुद की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं और ये हर किसी से करते हैं. जिनसे भी वो मिलेंगे सबसे अपनी बड़ाई करने लगेंगे, खुद के बारे में बताने लगेंगे, सेल्फ की प्रेस करने लगेंगे. बोस्टर्स को ये लगता है, ये अपने आप को लेजेंड से कम नहीं समझते. फॉर एग्जाम्पल दे विल से आई एम वन ऑफ द वेरी ग्रेट पर्सनस, आई एम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस, आई एम वेरी रिच, यू नो डॉक्टर आई वॉज द मोस्ट हैंडसम गाय इन माई कॉलेज, आई एम नोन इन पर्सन टू द सिटी कमिश्नर. ऐसे लोगों की बातों से ही पता चल जाएगा कि ये बोस्ट कर रहे हैं, ये ब्रैग कर रहे हैं. इसके लिए यहाँ मुंबई में एक शब्द का यूज़ किया जाता है फेंकू. तो आपको ऐसे लोगों की बातें सुनकर ही ये समझ में आ जाएगा कि ये फेंक रहा है. ऐसे लोग अपनी छोटी सी अचीवमेंट के बारे में भी बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे. जो भी इनसे मिलेगा उन सबको बताएंगे कि देखो मैंने कितना ग्रेट काम किया है. दे विल टॉक एज इफ दे हैव ऑल द गुड क्वालिटीज इन देम, दे आर परफेक्ट एंड दे डोंट हैव एनी बैड क्वालिटी. दे कंसिडर देमसेल्फ एंड प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज इफ दे आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल. बेसिकली बोस्टिंग में देयर इज वर्बली वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर शो ऑफ करेगा. Now boasting implies to talk proudly about deeds, abilities, etc., either one's own or those of someone very close to one, especially in a manner showing too much pride and satisfaction. It is the behavior of exhibiting self-importance. It is to glorify oneself in speech and talk in a self-admiring way. देखते हैं कि इस वीडियो में बाबा ने ऐसा क्या कहा जहाँ से पता चलता है कि इनके अंदर बोस्टिंग है. Now what he says, मेरे बिग बॉस में जाने से बिग बॉस की व्यूअरशिप बढ़ेगी क्योंकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड है. आपके शो में बहुत से सेलिब्रिटी आए हैं और वो सब मेरे भक्त हैं. Now this is a type of boasting. So the rubric goes is boaster braggart. The other rubric which suits him very well is slander disposition to. Although ये वाला पार्ट आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये टीवी इंटरव्यूज़ और बिग बॉस से बाहर आने के बाद जो उनके कमेंट्स आए हैं वहाँ से समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं. स्लैंडर का मतलब होता है किसी की झूठी बुराई करना, किसी की झूठी निंदा करना, किसी के बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाना जिससे कि सामने वाले की इज्जत कम हो या सामने वाले व्यक्ति की इज्जत खराब हो जाए, वो बेइज्जत हो जाए. इसका मतलब होता है झूठी बातें फैलाकर किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना. अब ये स्लैंडर डिस्पोजिशन टू आया कहाँ से? एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी ओम ने ये क्लेम किया कि स्वामी ओम ने अरविंद केजरीवाल के घर में घुस के मारा था. अब अरविंद केजरीवाल को घर में घुस के मारा था तो इनडायरेक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग, अरविंद केजरीवाल को मैंने मारा है, तो इससे अरविंद केजरीवाल की इज्जत घटती है। यह अरविंद केजरीवाल मुझसे छोटा है। और बिग बॉस से बाहर आने के बाद स्वामी ओम हर जगह इंटरव्यू में ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सलमान खान को थप्पड़ मारा। सेकंड, उनका ये भी क्लेम है कि सलमान खान को एड्स है इसलिए वो शादी नहीं कर रहा है। He has also been spotted saying Salman Khan is an agent of terrorist organization etc etc etc। ये सब बोल के what he is trying to do is to cut down the reputation of reputed people. So to define slander, slander is a false, malicious statement which is spoken or published, especially one which is injurious to a person's reputation. It is the act of saying something about someone that is not true and is likely to damage their reputation. So to sum up, slander is the act of making a false spoken statement that causes people to have a bad opinion of someone or to cause injury or damage to a person's reputation. Next rubric that fits him is delusion. He is messenger from God. Now the rubric is delusion. He is messenger from God. अब delusion का क्या मतलब होता है? तो delusion का मतलब होता है भ्रम, भ्रांति, फरेब। ये एक ऐसा भ्रम होता है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। किसी भी तरीके से उस भ्रम को मिटाया नहीं जा सकता। ये पेशेंट के मन में बहुत गहराई तक होते हैं। आप उनको कितने भी एविडेंसेस दो, आप उनको कितने भी फैक्ट्स बताओ, पर उनका भ्रम, उनका फॉल्स बिलीफ दूर नहीं किया जा सकता। डिल्यूजन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट से उस पर्सन के फॉल्स बिलीफ को तोड़ नहीं सकते। दिस फॉल्स बिलीफ इज हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन डिस्पाइट superior evidence to the contrary. Delusion is a false belief strongly held in spite of invalidating evidences. आप उनको evidences दो, वो हर evidence को मना कर देंगे और कहेंगे नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। अब ये रूब्रिक हमने क्यों लिया? ये रूब्रिक इसलिए लिया कि in one of the interviews Swami Om claimed that he was that when he was child he was revered as an incarnation of God. He said लोग मुझे भगवान का अवतार मानते थे, लोग मेरे दर्शन करने आते थे। Then in an another interview he said मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ, मैंने उनका आवाहन किया और उन्होंने मुझे सशरीर दर्शन दिया। मतलब उन्होंने खुद सामने आकर बॉडीली फॉर्म में उनको दर्शन दिया। मैं अकेला और शायद आखिरी ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने भगवान को देखा है और भगवान ने मुझसे कहा है कि तुम राम राज्य की स्थापना करोगे। दिस मीन्स वो अपने आप को भगवान का एक ऐसा दूत समझता है जिसे भगवान ने भेजा है राम राज्य की स्थापना करने के लिए, जिसे भगवान ने भेजा है इस पूरी दुनिया को एक अच्छा गवर्नेंस देने के लिए। नाउ राम राज्य मीन्स अ गुड गवर्नेंस वेयर एवरीबडी इज सेफ, एवरीबडी इज हैप्पी। So the rubric goes delusion, he is messenger from God, क्योंकि उसको ये लगता है कि मुझे भगवान ने भेजा है एक स्पेशल काम के लिए, राम राज्य की स्थापना करने के लिए। मैं भगवान का एक दूत हूँ, इस चीज़ की उसके मन में इतने गहराई तक पैठ बनी हुई है, इतनी गहराई तक उसके दिमाग में ये बिलीफ बना हुआ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे कितने भी आर्गूमेंट्स दो, काउंटर आर्गूमेंट्स दो, कितने भी एविडेंसेस दो, उनके इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। सो इट इज़ अ डिल्यूजन, ही इज़ मैसेंजर फ्रॉम गॉड। इसी के साथ एक और रूब्रिक इनके ऊपर फिट बैठता है, दैट इज डिल्यूजन ही इज़ इन कम्युनिकेशन टू गॉड। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान ही सेड, मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ, मैंने उनका आवाहन किया, उन्होंने मुझे सशरीर दर्शन दिया, मैं अकेला और शायद आखिरी ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने भगवान को देखा। मीन्स ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका भगवान के साथ संपर्क या कम्युनिकेशन बना हुआ है और भगवान इनसे बातें करते हैं, ये भगवान से बातें करते हैं। मुझे इस रूब्रिक पर एक पुराना एक केस याद आ रहा है। उस लेडी को शायद वेराट्रम दिया गया था। हुआ क्या कि जैसे ही केस टेकिंग चल रही थी, तो दिस वाज अ फीमेल इन हर late 40s, वाइल इंटरव्यूइंग शी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट द सीलिंग ऑफ माई चेम्बर, और ऊपर की तरफ देखते देखते, नाउ आई एम आस्किंग हर एंड शी इज़ लुकिंग एट दी सीलिंग। सडनली शी सेड, डॉक्टर रुको, मैं माँ से बात कर रही हूँ, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तो दुर्गा माँ मुझे समझाती हैं, वो मुझसे बात करती हैं और वो मुझे सही रास्ता बताती हैं। नाउ अब इसमें क्या था, नाउ दैट फीमेल थिंग्स दैट दुर्गा माँ, दैट इज गॉडेस दुर्गा, इज इन कम्युनिकेशन टू हर, शी इज़ कम्युनिकेटिंग विथ गॉडेस दुर्गा, so she has a delusion that she is in communication to God. The rubric for such people is delusion, he is in communication to God. हम लोग स्वामी ओम की रेमेडी निकालने तो नहीं बैठे थे, लेकिन जब ये सारे रूब्रिक्स हमारे सामने हैं तो उनकी कोई रेमेडी भी हम एक प्रोबेबल रेमेडी, नॉट नेसेसरी ये वही रेमेडी हो, पर एक प्रोबेबल रेमेडी हम उनकी निकाल सकते हैं। तो क्यों ना इसको एक एक्सरसाइज लिया जाए और बाबा ओम के कैरेक्टर को एनालाइज करके उनकी एक रेमेडी निकाली जाए। नाउ दिस इज़ एन होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी।